11.2 औधातुओं का आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है? क्या आवर्त सारणी में किसी तत्व के स्थान को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह तत्व औधातु है या धातु? हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण कम होते जाते हैं, अर्थात जैसे जैसे समूह संख्या बढ़ती है वैसे वैसे धात्विक गुणों में कमी आती है। यदि समूह एक के तत्वों को देखें तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व धातु हैं, परंतु समूह 18 के तत्वों में हमें एक भी धातु नहीं मिलती। किसी एक समूह के तत्वों को लिया जाए तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। जैसे यदि समूह 15 को देखें तो उसमें प्रथम दो तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु हैं, तीसरे और चौथे तत्व आर्सेनिक एंटीमनी में धात्विक गुण बढ़ता जाता है, किंतु ये पूरी तरह धातु भी नहीं है। इसी समूह का अंतिम सदस्य बिस्मथ धातु है। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो केवल धातुओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं, जबकि कुछ गुण केवल अधातुओं के द्वारा, किंतु ऐसे तत्व भी हैं जो धातु अधातु के बीच के लक्षण दर्शाते हैं। इन तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं के मध्य है, इसलिए आवर्त सारणी में एक समूह से दूसरे समूह में जाने पर धात्विक गुणों में परिवर्तन अचानक नहीं होता बल्कि क्रमिक होता है। चित्र के अनुसार यह एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग विकर्ण रेखा के निकट स्थित तत्वों के द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए इनकी गिनती धातुओं में नहीं होती पर इन्हें अर्धधातु अथवा उपधातु सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स कहा जाता है। इनमें बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम शामिल हैं। धातुओं की भांति ये सभी उपधातुएं भी ठोस होती हैं। बोरॉन तथा सिलिकन विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती, किंतु अशुद्धियों की उपस्थिति में विद्युत चालकता दर्शाती हैं। उपधातुओं और धातुओं को छोड़ शेष तत्वों को अधातु कहते हैं। अधातुओं के अंतर्गत समूह 14 का एक सदस्य कार्बन, समूह 15 के दो सदस्य नाइट्रोजन और फास्फोरस व समूह 16 के तीन सदस्य ऑक्सीजन, सल्फर और सिलिनियम को रखा जाता है। समूह 17 को हैलोजन समूह कहते हैं। इस समूह के पांच सदस्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टेटीन भी अधातु हैं। इन्हें अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलते, इसलिए इनकी पहचान 18वीं शताब्दी के अंत में ही हुई। समूह 18 अधातुओं का एक बड़ा समूह है तथा यह उत्कृष्ट गैसों नोबल गैसेस का है। इसमें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ज़ीनॉन और रेडॉन शामिल हैं। ये रंगहीन गैसें हैं। चूंकि इनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यह सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती, इसलिए इन्हें अक्रिय गैसें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता था। ये सभी वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में विद्यमान हैं, अतः इन्हें दुर्लभ गैसें रेयर गैसेस भी कहा जाता है। क्या आप किसी ऐसे तत्व को जानते हैं जो अधातु है किंतु उसे आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है? अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में समझने से पहले आइए उनका इतिहास जानें। फ्लोरीन हल्के रंग की गैस होती है और क्लोरीन गैस का कलर ग्रीनिश येलो होता है। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, जबकि आयोडीन ग्रे सॉलिड है जिसका सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन पर्पल वेपर में हो जाता है। रेडियो एक्टिव एस्टेटीन ब्लैक सॉलिड होता है।